अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रुबीना मेकअप आर्टिस्ट और आज मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रो की प्रैक्टिस कैसे की जाती है, वो भी तकिए पे। अच्छा जी, मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि भाई वो हाथ पे पैरों पे थ्रेडिंग आसानी से कर लेते हैं, बट अगर कोई कस्टमर की बात आए तो वो थ्रेड नहीं कर पाते। बस उनको ऐसा होता है कि कहीं आइस पे कट लग गया या कहीं कुछ थ्रेड सही से शेप में कैसे लाना आईब्रो को। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप दुनिया की कोई भी आईब्रो बहुत ही आसानी से और अच्छे से शेप में आप आईब्रो बना सकोगे। अच्छा जी, पहले हमें जो है तकिए पे इस तरीके से पेन से आप एक ड्रॉ कर ले आईब्रो का शेप और डेली 5 मिनट आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें। अब ये जो प्रैक्टिस है, देखिए ये मेरे जो हाथ की पोजीशन है वो इस तरीके से क्रॉस में लेना है और धीरे धीरे इस तरीके से आपको आईब्रो का शेप देना है, तो वो आपको माइंड में बैठ जाएगा कि भाई आईब्रो एंगल का शेप कैसे आता है और आप बिंदास इस तरीके से स्पीड से आप आईब्रो कर सकते हो। तो ये डेली 5 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी ही है। अब ये देखिए, ये साइड के कोनों पे मैंने ये देखिए कैसे एंगल का शेप देना है, तो धागे को थोड़ा सा क्रॉस में करके पूरा आपको इस तरीके से थ्रेडिंग करना है और थोड़ा स्पीड से आपको करना है। अच्छा, ये तकिए के छोटे छोटे धागे हैं वो भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको एक हेयर जैसी फीलिंग्स आएगी कि हाँ आपके जो है ना आईब्रो जैसी फीलिंग्स आएगी आप थ्रेड करते हो। अच्छा, बीच में से भी देखो ये धागा कैसे पकड़ना है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में एक बैठ जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से आपको थ्रेडिंग करनी है। थोड़ा मैंने क्रॉस धागे को पकड़ा है, फिर मैंने सीधा पकड़ा, फिर मैंने क्रॉस किया, तो ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा और कैसी भी आईब्रो होगी आप बना लोगे। अब ये जो मैंने एक आईब्रो पे थोड़े से हेयर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, तो एक नेचुरल आपको इफ़ेक्ट लगेगा कि हमें आईब्रो कैसे बनानी है। अब ये धीरे धीरे आपको इस तरीके से धागे को क्रॉस में पकड़ते हुए आपको थोड़ा स्पीड में आपको थ्रेड स्टार्ट करना है और इसी तरीके से फिर मैंने वापस क्रॉस पकड़ा और फिर मैंने थ्रेडिंग की, यानी ये एक एंगल शेप आ गया। तो आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हमें धागा कैसे पकड़ना है और आईब्रो को बनाने के टाइम पे किस तरीके से हाथ को पकड़ना है और किस तरीके से धागे को हमें इस तरीके से थ्रेड करना है। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है और आप कस्टमर या अपनी कोई फ्रेंड पे आईब्रो बनाते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको पूरा शेप में नहीं देना, सिर्फ एक ही लाइन निकालनी है। अगर आप पूरा शेप में देने जाओगे तो आपसे आईब्रो नहीं बनेगी। तो जब भी आप स्टार्टिंग में आईब्रो सीख रहे हो तो सिर्फ एक लाइन ऊपर से एक लाइन नीचे से ही निकालनी है। इंशाल्लाह मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।